यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे तुम आलसी लोगों? और बताओ, आ गया यहाँ पर एक फ्री टाइम यूट्यूबर जो कि किसी जिस यूट्यूबर को कुछ काम नहीं है। ये क्या बोल दिया मैंने? वे ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? ये तो मेरी है ही नहीं। वो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? हमारा वेलकम है एक और न्यू वीडियो में। और बताओ, और कैसे चल रहा है सब कुछ? आई थिंक सो तुम सबका सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, एंड आई विश यू आर डूइंग ग्रेट। और तुम्हारा वेलकम है एक और न्यू वीडियो में। एंड आई डोंट नो, मैं एक ही चीज़ क्यों बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि मेरे वर्ड्स नहीं होते, मेरे दिमाग में 6 साल लग जाते हैं वर्ड्स को ओवरलोड, व्हाट वी कॉल लोडिंग होने में। वो जैसे घूमता ना कंप्यूटर में गोला, ऐसे ऐसे करके लोडिंग, ऐसे मेरे ब्रेन में लोडिंग होती है चीज़ें, ठीक है। तो या व्हाट इज अप गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आरजी बकेट के एक और न्यू वीडियो पे, ठीक है। लेट्स बिगिन द वीडियो, लेट्स बिगिन। अरे मैं तो बोल ही रही थी कर ले, लेकिन नहीं सुनते, कहाँ हैं आजकल के जिद्दी बच्चे। शर्मा जी के पापा बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा बेटा भी बड़ा जिद्दी है। कहता है कि अगर बीटेक में 95% आ गए तो कैलिफोर्निया जाएगा। ये बोल रहा होगा आरजी बकेट मन में। अब आप ही बताइए, एक बाप होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। वेरी नाइस, कर सकते हो, हंसी तो बहुत अच्छी है। आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? जी वो अंकल मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे। टिकटॉक वगैरह बनाते हो क्या बेटा? नहीं अंकल, मैं कार्टून बनाता हूँ। अच्छा, वो मोटू पतलू जैसे ना? जी अंकल, वैसा ही कुछ। अरे लेकिन बेटा ये सब तो हॉबीज के लिए ठीक है, करियर के लिए थोड़ी ना। वो तो मैं रोज ही समझाती हूँ इससे। मैं क्या कहता हूँ भाभी जी, असम में इन सब चीजों का स्कोप ही नहीं है। अरे असम छोड़िए, इंडिया में ही स्कोप नहीं है इन सब चीजों का। आप इसको इंजीनियरिंग में क्यों नहीं डाल देते? ये खाई है अंकल। अबे ओ इंजीनियरिंग के चूजे, चुपचाप काजू ठूस और निकल यहाँ से। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप इसको पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग में डाल दीजिए, पढ़ाई में मेरा बेटा मदद कर देगा इसकी। क्यों, है ना बेटा? हाँ जी अंकल, आप काजू लीजिए ना। अरे बस बेटा, पहले ही 2-3 खा चुका हूँ। अब मत खाओ, निकलो यहाँ से अंकल, बहुत पकाते हो। ऐसे अंकल मेरे भी घर पे आ जाते कभी कभी। पास अंकल ब्रो। मेरी मम्मी को पता है कि मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, बट शी इज नॉट रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि कुछ अचीव ही नहीं किया ना अभी तक। सारा दिन खाली कार्टून बनाता रहता है, जॉब्स के लिए अप्लाई क्यों नहीं करता? खा के घर पे पड़ा रहता है बस। बहुत प्राउड। हाँ, अगर मैं मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके लाखों में ब्रांड डील्स कर रहा होता तब बात अलग होती, बट फॉर नाउ शी जस्ट कंसर्न्ड अबाउट माय फ्यूचर, क्योंकि उनको ये यूट्यूबर एनिमेटर वगैरह समझ में नहीं आता। वो सोचते कि इन सब चीजों में कोई फ्यूचर ही नहीं है। उनको तो गेम चुन के सिर्फ कुछ ही करियर ऑप्शंस के बारे में पता है, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट या फिर लॉयर। अगर मैं इनमें से किसी एक को परस्यू करता तो अकॉर्डिंग टू माय मॉम आज उनकी नाक सोसाइटी के सामने नहीं कटती, क्योंकि तुम कभी पड़ोस वाली आंटी को ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि हमारा बेटा यूट्यूबर बन गया है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके। नहीं, वो बोलेगी कि हमारा बेटा सिविल इंजीनियर बन गया है, दुबई में नौकरी लग गई है उसकी। चुप साली बुढ़िया। आंटी भी लाइक मुझे ही तोड़ा। एंड एट दैट मोमेंट मेरी मम्मी को थोड़ा अशेम्ड फील होता है, क्योंकि उनका बेटा नालायकों की तरह पड़ा है। और हाँ, बहुत मारूंगी आजकल, घर चल के जूते चप्पल सब निकाल के मारूंगी। कार्टून्स भी बनाता है, बट उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देता हूँ, जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था कि मैंने खुद को ही पार्टी दे दी। यस, मिरिंडा की बड़ी वाली बोतल। क्या मतलब जिस दुकानदार ने दिया था उसे कोरोना है। बट जब मैंने ये बात मम्मी को जाके बोला, मम्मी मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ तो सब्सक्राइबर्स से ही पेट भर ले फिर। मम्मी ऐसी और कुछ कमाया है तो जाके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दे, तेरे कंप्यूटर की वजह से कितना बिल आया पता तुझे? She doesn't give up फुक। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी को प्राउड फील नहीं होता, शी डज फील प्राउड समटाइम्स। जब मेरे रिलेटिव्स कॉल करके उनको बोलते हैं, बाबू वीडियो तो सलून है, बहुत दुनिया बनाई से सुन, विच मींस उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उनको वो पसंद आई, और वो मेरी तारीफ मेरी मम्मी के सामने कर रही है। एंड ऐसे मोमेंट पे मेरी मम्मी क्रेडिट लेना कभी नहीं भूलती। हाँ, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, मैं ही तो आइडियाज देती हूँ उसको।
अभी मैं बोली रही हूँ उसको अपनी मम्मी के ऊपर बनाओ, कितनी मेहनत करती है मम्मियाँ झाड़ू पोछा बर्तन। सो नाउ लेट मी टेल यू मेरे वो स्ट्रगल के दिन कैसे मैं बना अनन्या। मेरा मतलब मदर डे पे मेरे ख्याल से आरजी को ऐसा कुछ बनाना चाहिए, मैं भी बनाएगा मेरे को भरोसा है। मदर डे पे आरजी को ऐसा क्रेजी मदर डे के लिए मदर्स डे, वाओ वेरी रियलिस्टिक ब्रो, आई एम वेरी रियलिस्टिक, मदर्स डे बोल रहा हूँ मैं। मदर डे पे आरजी को बनाना चाहिए ब्रो, मजा आता है। मतलब एनिमेटर किसी को फर्क नहीं पड़ता। ए तो चुप रहे बे, सेवन स्टैंडर्ड की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक एनिमेटेड मूवी दी थी पेन ड्राइव में डाल के, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो मूवी तुम सभी ने देखी है। How to Train Your Dragon. Yep. मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैंने वो मूवी नहीं देखी होती ना तो आज मैं एनिमेशन नहीं कर रहा होता। लाइक सीरियसली मुझे वो मूवी इतनी ज्यादा पसंद आई कि आई वांटेड टू नो कि लोग बनाते कैसे है ये सब, क्योंकि कार्टून्स मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, बट कभी ये थॉट दिमाग में नहीं आया कि इन सबको बनाते कैसे है। बट व्हेन आई वॉच दिस मूवी आई डोंट नो व्हाई बट मैं इमोशनली अटैच हो गया था उन कैरेक्टर्स से। इट्स जस्ट द फैक्ट दैट अमेज मी अ लॉट कि एक कंप्यूटर पे बने मॉडल पे ये लोग वॉइस एंड पर्सनैलिटी डाल के दे जस्ट ब्रिंग्स देम टू लाइफ एंड दे डू इट सो परफेक्टली कि हम लोग उन फिक्शनल कैरेक्टर्स से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एनीमे का एग्जांपल ले लो, अगर तुम लोगों ने एमएचए देखी है तो इस सीन पे डेफिनेटली रोएओगे। मैं तो फूट फूट के रोया। जोक्स अपार्ट, जिस दिन मैंने वो मूवी देखी ना आई जस्ट फाउंड माई पर्पस। बट ये बात मम्मी को कौन समझाए, उनको तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना था क्योंकि मैं निगेटिव और पॉजिटिव वायर लगा के बल्ब जला देता था। या आई नो एक बच्चा भी कर लेगा ये, बट मेरी मम्मी उसी को देख के चौंक जाती थी। हाय मेरा छोटा इंजीनियर, देखा कैसे लाइट जला दिया। अरे मेरी प्यारी मम्मी, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना ये, बल्ब भी तो जलाया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंजीनियर बना दोगे कुछ भी। एनीवेज मैं क्लास 7 से मम्मी को बोलते आ रहा था कि मुझे एनिमेशन सीखना है, बट उन्होंने कभी सीरियसली लिया नहीं क्योंकि उनको लगा था अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर कार्टून वगैरह से इंटरेस्ट हट जाएगा। नोप, मैं धीरे धीरे 10th पहुंचा, फिर कॉलेज भी पास आउट कर लिया, बट स्टिल एक ही रट लगाए बैठा था कि मुझे डिग्री लेनी है तो सिर्फ एनिमेशन की। एंड तब मम्मी थोड़ी सीरियस हो गई क्योंकि मेरे फ्यूचर का सवाल है भाई। सो मम्मी ने थोड़ा टाइम लिया एंड काफी सोचने के बाद फाइनली मम्मी ने मेरा एडमिशन BCA में करा दिया। BCA ना कंप्यूटर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर। हाँ पता है, गवार नहीं है। ओके डैम बिच कीरिति। सो या मैं एनिमेशन कीरिति ना कीरिति भी है की डिग्री नहीं ले पाया। वन ऑफ द रीजंस इज कि मेरी कोर्स फीस 4 लाख की थी एंड मेरी मम्मी उतना पैसा एक ऐसे करियर ऑप्शन पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी जिसका कोई फ्यूचर ना हो, अकॉर्डिंग टू माय मॉम। तो सो आई गॉट इट नाउ, कीरिति ने लाइक ऑडियंस की आवाज दी है वॉइस एक्टिंग, और रिया गोगोई इसकी बहन है जिसने की लाइक मॉम की वॉइस एक्टिंग का मतलब वॉइस दी है मिंटू से, और आरजी तो है ही अपना। तो मेरा सपना सपना ही रह गया, बट आई नेवर गेव अप। अब जब पता चला कि पेरेंट्स से तो कोई सपोर्ट मिलने नहीं वाला तो निकल पड़े खुद ही पेंसिल और पेपर लेके। बिसाइड्स मैंने क्लास 9 से ही एनिमेशन सीखना चालू कर दिया था थ्रू अ बुक कॉल्ड एनिमेटर सर्वाइवल किट। मैं डेली प्रैक्टिस करता था पेपर पे ड्रॉ करके, बिकॉज तब मेरे पास सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थी। सो आई स्टार्टेड ऑफ डूइंग इट द ट्रेडिशनल वे। एक ग्लास टेबल है हमारे घर पे जिसके नीचे मैं लाइट लगा लेता था और ऊपर पेपर रख के फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करता था। उफ ये स्ट्रगल। फिर धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स देखना चालू किया एंड इवेंचुअली आई लर्न हाउ टू यूज फ्लैश जिसपे तुम एनिमेशन कर सकते हो। एंड या जस्ट लाइक दैट आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड हियर आई एम विद ओवर 8000 फकिंग सब्सक्राइबर्स, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक्स टू यू गाइस एंड मॉम, इफ यू आर वॉचिंग दिस आई विल प्रूव यू रॉन्ग समडे एंड ऑल्सो मेक यू प्राउड बिकॉज़ आई लव यू। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब। इट वाज क्रेजी वीडियो, नाउ यू हैव 1 million, यू डोंट नीड एनी असिस्टेंट फ्रॉम अस एंड लाइक या वी लव यू बिकॉज़ यू आर क्रेजी एनिमेटर, आई रिस्पेक्ट यू सो मच। आई नो यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद योर एनिमेशन बिकॉज़ एनिमेशन टुक सो मच टाइम, लाइक द एनिमेशन यू मेड, जो एनिमेशन तुम खुद बनाते हो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए नहीं वो एनिमेशन इज लाइक इन अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी आर प्राउड ऑफ यू, ओके, आरजे बकेट लिस्ट एंड व्हाटएवर गाइस, जो भी करना है अपना बेस्ट करना, जो भी तुम्हारा मन है उसे फॉलो करना है, और लाइक कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे रोकना मत, ठीक है, बस चलते जाना। ये मोरल दिया है आरजे बकेट लिस्ट ने इस वीडियो से, ठीक है। और मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बाय गाइस, बी सेफ बी हेल्दी बी हैप्पी, ओके बाय।